इंद्री स्थित हजरत इलाही बू अली शाह कलंदर साहिब की दरगाह में होने जा रहे उर्स की तैयारियां जोरों पर हैं। इस उर्स की तैयारियों की जानकारी देने के लिए पवित्र दरगाह शरीफ के प्रांगण में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए दरगाह कमेटी के अजमेर सिंह नंबरदार लाला सुभाष जिंदल, पवन गोयल, राजीव गोयल व विजय काम्बोज ने बताया कि पिछले लगभग 44 सालों से यहां पर उर्स का आयोजन किया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी 17 व 18 नवंबर को यहां उर्स मनाया जाएगा, इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। सन 1974 से हमारे गुरुजी गुरु महाराज राजकुमार जी इस कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे, जिन्होंने 2014 में श्री छोड़ दिया था, और उसके बाद गुरु महाराज राजेश कुमार जी की अध्यक्षता में देख रेख में सारा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इस दरगाह के बारे में ज़्यादा परिचय की जरूरत नहीं है, क्यों बाबा जी के जो दरगाह पानीपत में वर्ल्ड फेमस दरगाह है, हर आदमी जानता है बाबा बू अली शाह कलंदर के बारे में। बाबा बू अली शाह कलंदर जी की चार दरगाह हैं, बूढ़ा खेड़ा में है, करनाल में है, और ये चौथी दरगाह इंद्री में। तो यहाँ पर सालाना उर्स होता है, जो पहले शुरू में बहुत छोटे रूप में होता था, आज ये बहुत बड़े विशाल रूप में प्रोग्राम होता है। तो इस प्रकार कल 17 तारीख को सुबह 11 बजे चादर चढ़ेगी और उर्स का शुभ आरंभ हो जाएगा। लंगर चलेगा दिन में, रात्रि में कव्वाली का प्रोग्राम होगा। और परसों यानी 18 तारीख को सुबह 9 बजे दरबार कलंदर साहब संत कलोनी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास से शोभा यात्रा चलेगी, जो 2 बजे दरगाह पे पहुंचेगी, और उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, बैंड, कई तरह के बाजीगर पार्टी, कई तरह की झांकियां होंगी जो समाज को एक नया रास्ता दिखाती हैं, नई दिशा देती हैं। उन झांकियों से बहुत सीखने को मिलता है। और दिन में लंगर चलेगा 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक लंगर अटूट चलेगा। रात्रि कव्वाली होगी, जिसमें हमारे देश के क्या अंतर्राष्ट्रीय सूफी गायक है, इंटरनेशनल सूफी गायक अनवर साबरी है ना, अनवर साबरी फिरोजाबाद से आएंगे। 18 को संत कलोनी की शोभा यात्रा बाजार से उठी जाएगी, 2 बजे कलंदर साहब दरगाह पे पहुंच जाएगी और चदरें चढ़ेंगी, पंखे चलेंगे, और रात को क्वाली है, दिन में भंडारा है, स्कूल के बच्चे होंगे, बैंड वाले होंगे और गुड़ वाले होंगे, हाथी वाले उसके ऊँट वाले होंगे, और दूर दूर के आदमी यहाँ छत्तीसगढ़ तक के, दिल्ली से पंजाब तक के आते हैं जी, इनके मर्यादे यहाँ पूरी होती है। आदमी तो 2000 के करीब तो आ जाएंगे कम से कम, 2500 शोभा यात्रा भी होते हैं। थे हो रहा है इसमें गुरु महाराज राजकुमार जी ने शुरू करा था और जहाँ के बढ़ती जाती हैं आप।